अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिसेंटली जो नेस्कॉम में जॉब्स आई हैं, जिसमें मैट्रिक से लेकर बीएस लेवल तक हर एक बंदा अप्लाई कर सकता है, तो उसके अप्लाई का पूरा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट में जो है इसकी 28 लास्ट डेट है, और यहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, करियर जॉब्स 91.com.pk। इस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सीरियल 1 से लेकर सीरियल 38 तक जॉब्स हैं, जिसमें जो है हर जॉब के साथ सबसे पहले जॉब कोड या जॉब टाइटल है, उसके बाद क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जब आप जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना हो, छोटी हो बड़ी हो, सबसे पहले आपने उसकी क्वालिफिकेशन और फिर साथ में एक्सपीरियंस देखना है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर जो है आपका क्वालिफिकेशन कम है, फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले लाजमी जो है गौर से उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट और जो उसका एक्सपीरियंस है वो आप देख लें, ठीक है। जहाँ पे कुछ जगहों पे ये ड्राइविंग की जॉब्स है, ड्राइवर की जॉब है, तो उसके लिए आपको आपके पास लाइसेंस होना चाहिए LTV HTV का, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है कि जो बाकी जो जॉब्स हैं 1 से लेकर 33 सीरियल तक, वो उसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, बस आपका काम ख़त्म हो जाता है। जो इसमें सीरियल नंबर 34 है और 34 से लेकर 38 तक जो पोस्टें हैं, ड्राइवर से लेकर फायरमैन तक, ये जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद ये उस फॉर्म का प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, फोटोकॉपीज हैं, उनके उसको अटेस्ट करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने एक एड्रेस दिया हुआ है, PO Box 91 वाकेंट, इस एड्रेस पे उन्होंने भेज देना है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ सीरियल नंबर 34 से 38 तक के लिए है। तो चलिए अब देखते हैं कि आप इसका अप्लाई किस तरह करेंगे। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने ये वेबसाइट पहले ओपन की है, careerjobs91.com.pk। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पे सीरियल 1 से लेकर सीरियल 8 तक की, 38 तक की सारी जॉब्स आ जाएंगी, और नीचे इसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसको भी आप लोग लाजमी रीड कर लें। जहाँ पे इन्होंने मतलब आपका जो है थर्ड डिवीज़न नहीं होना चाहिए किसी भी, मतलब मैट्रिक से लेकर बैचलर्स तक। अगर आपका एक भी थर्ड ग्रेड होगा, थर्ड डिवीज़न होगा, मतलब आपका डी ग्रेड होगा, तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे। आपका सिर्फ एक सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए आपकी लास्ट डिग्री में, ठीक है। इसके बाद जो 35 ईयर एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं सब जॉब्स के लिए। बाकी जो गवर्नमेंट्स के, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए जो है 10 ईयर रिलैक्सेशन होती है नॉर्मली, तो वो 45 ईयर एज तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब आप ये सीरियल नंबर देख लें उनका। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर है, फिर जॉब कोड है, फिर पोजीशन टाइटल है, फील्ड है। आगे उन्होंने अप्रोक्सीमेट सैलरी दी हुई है, 28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके आप इन सब के सामने क्वालिफिकेशन का एक बटन बना हुआ है, जिस पे डिटेल लिखा हुआ है। आप जैसे इस डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आ जाएगी, जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके सामने एक्सपीरियंस का एक टैब है, उसके नीचे डिटेल लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस आ जाएगा, कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले आपके पास अपने चेक कर लेना है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है या नहीं, ठीक है। इसकी कोई फ़ी नहीं है, आपने कहीं भी पैसे जमा नहीं करने, बस जस्ट आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई किस तरह करेंगे। स्टार्ट में यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स दी हुई हैं। सबसे पहले होम है, हाउ टू अप्लाई है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई में आप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, ठीक है। इन्होंने 11 स्टेप्स बताए हुए हैं कि किस तरह जो है आप अप्लाई करेंगे। इसको भी अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इन सारे स्टेप को हम अप्लाई करते हुए कवर करेंगे, ठीक है। नीचे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे, जितना फॉर्म आप फिल करेंगे, साथ साथ आप उसको सेव करते जाएंगे,
ठीक है, सेव नहीं करेंगे तो आपका डाटा इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि जिस जॉब के लिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो रिक्वायरमेंट है अगर वो आपके पास नहीं है तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे इंटरव्यू या टेस्ट के लिए। ठीक है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक साइन अप का बटन है, साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में सबसे पहले आपसे CNIC नंबर मांगेंगे, हम इसमें CNIC नंबर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, 11 डिजिट्स का मोबाइल नंबर लिख लें आप। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड नॉर्मली जो है अक्सर वेबसाइट्स पे, मतलब मैक्सिमम वेबसाइट्स से आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी कि 8 करेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी जो है आप 1 करेक्टर का ही पासवर्ड रख लें। ठीक है, वही पासवर्ड आप यहाँ पे दोबारा लिखेंगे कंफर्मेशन के लिए, जो आप यहाँ पे लिखेंगे उसको दोबारा से यहाँ पे टाइप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे। मैं जो इस फॉर्म में डेटा इनपुट कर रहा हूँ ये एक डमी डेटा है, ठीक है, ओरिजिनल डेटा नहीं है। आपने जब फॉर्म फिल करते वक्त यहाँ पे अपना ओरिजिनल डेटा लिखना है। अच्छा, ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ठीक है, इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अगर इन केस आपसे पासवर्ड भूल जाता है तो आप जब पासवर्ड को रीसेट करेंगे, यहाँ पे एक रीसेट का बटन भी है, इस फॉर्म को भी ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड रीसेट करते वक्त आपसे CNIC मांगेंगे, मोबाइल नंबर, और जो वहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे वो मांगेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं होंगे तो बाद में आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद अब हम यहाँ पे व्हाट इज़ योर निक नेम, मैं यहाँ पे निक नेम कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने आमिर लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक कैप्चे कोड है, मतलब ये नॉर्मली सिक्योरिटी कोड होता है, जिसमें जो है, जो इसलिए होता है कि मतलब आप जो है कोई रोबोट तो नहीं है जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है। तो जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो भी फिगर है, अल्फाबेट्स हैं, इसका कम्बिनेशन वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, सबसे पहले W है, W के बाद 1G9 और कैपिटल K। ठीक है, ये सेम होना चाहिए, सेम नहीं होगा तो ये हमें एरर देगा। ठीक है, इसके बाद आपने साइन अप के बटन पे क्लिक कर लेना है। जी, यहाँ पे वो जो मैंने कैप्चे लिखा था वो ठीक नहीं था, तो मुझे दोबारा से इसको इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस फॉर्म को दोबारा से फिल कर दिया है। इसके बाद जो है, अब मैं इस कैप्चे को दोबारा से लिखता हूँ, लास्ट टाइम उससे गलत हो गया था तो मुझे फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ेगा। अच्छा, जो इसमें कैपिटल होंगे वो आपने कैपिटल लिखने, अल्फाबेट जो स्मॉल होंगे वो आपने स्मॉल लिखने हैं। ठीक है, अब हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे आपके पास मैसेज भी आएगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, नाउ यू कंप्लीट योर CV। अच्छा, यहाँ पे जो है आपकी ये एक, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट करेंगे तो एक CV टाइप बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आमिर खान। इसके बाद यहाँ पे अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है। मैं जो है यहाँ पे जो है एक डमी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, नाम जो है आपकी, जो स्पेलिंग आपने लिखनी है वो जो है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखे हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप बाद में जो है फिर जब आप अप्लाई करेंगे और मसला होगा तो नेम सेम नहीं होगा तो आपको बाद में मसला हो सकता है। ठीक है, फादर नेम मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ आपने वो लिखनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है। ठीक है, इसमें कोई भी आपने गौर से लिखना है। इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा आपने वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना रिलीजन लिखना है,
मैं यहाँ पे इस फॉर्म को एक बार फिल कर चुका हूँ, इस वजह से मुझे ये ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे आपने अपना सेक्ट लिखना है। सेक्ट मतलब आपकी जो, अगर आप सुनी है आप सुनी लिखें, अगर आप पहली तशी हैं आप पहली तशी लिखें, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप यहाँ पर क्रिश्चियन लिखें। नेशनलिटी में हम पाकिस्तानी लिखते हैं। अगर आपके पास कोई भी डुअल नेशनलिटी है तो आप यहाँ पे उसको भी मेंशन कर दें। ठीक है, पाकिस्तान के अलावा अगर आपके पास कोई नेशनलिटी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे आपने अपनी स्पाउस की डिटेल लिखनी है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो फिर आप इन फील्ड्स को फिल नहीं करेंगे। ठीक है, स्पाउस मतलब अगर आप फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो उनके लिए स्पाउस उनके हस्बैंड होंगे, अगर मेल अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए स्पाउस उनकी वाइफ होगी। और यहाँ पे अगर आपकी वाइफ जो है या जो आपके हस्बैंड है वो डुअल नेशनल है तो वो आप उनकी नेशनलिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। पोस्टल एड्रेस वो होता है जिस पे आपको पोस्ट रिसीव होती है। ठीक है, आपने जहाँ पे आप इस वक्त रह रहे हैं आपने वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और एक परमानेंट एड्रेस होता है जो आपके शनाख्ती कार्ड के बैक साइड पे लिखा होता है, यहाँ पे आपने वो लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने यहाँ पे ये सेव डेटा का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट किया है, फिर भी जो है ये जो स्पाउस वाला फील्ड है ये कंपलसरी है, तो ये मुझसे कह रहा है कि इसको आप लाजमी फिल करें, तो इसको जो है आप निल कर दें। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो इसे यहाँ पे आप निल लिख लें। ठीक है, मतलब आपकी शादी नहीं हुई। जैसे आप सेव डेटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा कि आपका डेटा सेव हो गया है। इसके बाद हम और नीचे आपको यहाँ पे आपका डेटा शो भी करेगा जो आपने ऊपर फिल किया है। ठीक है, मतलब ये आपकी एक सीवी बनती जाएगी। इसके बाद जो है शनाख्ती कार्ड नंबर, जो आपका नंबर है और जो आपको फ़ोन नंबर है, जब हमने साइन अप किया था तो वहाँ पे दिया था, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट करें तो आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन का पोर्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना एकेडमिक्स मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है आप वो लिखें, मतलब अगर आप जो आपने मोस्ट रीसेंट डिग्री की है, तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन में मैं जो है यहाँ पे BSc सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो मतलब है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, इसके बाद मैं ग्रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रेड के बाद मैं पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, पासिंग ईयर के बाद मैं ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं ड्यूरेशन जो है 4 ईयर होगी, आपकी डिग्री जितनी ईयर्स की है आपने वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जो BS होता है वो उसका, उसके 8 सेमेस्टर्स होते हैं तो 4 ईयर्स की इक्वलेंट होता है। अगर तो आपकी CGPA, आप यहाँ पे CGPA लिख दें। अगर आपका जो है एनुअल सिस्टम है तो आप यहाँ पे अपने मार्क्स लिख दें। मैं यहाँ पे अपनी CGPA लिख लेता हूँ। ठीक है, CGPA तो मार्क्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज आपकी जितनी बनती है आप वो यहाँ पे लिख लें। डिवीज़न जो है वो भी, अगर आपके मैट्रिक की DMC और आपकी FSC की DMC पे डिवीज़न लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लें। अगर तो आपका इंस्टीट्यूट इन ऑप्शन में से है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करें। अदर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और फील्ड आएगी, तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख दें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसमें है तो सिलेक्ट कर लें उसको। और यहाँ पे जो है, अगर कोई इंजीनियर अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे अपना PEC का नंबर लिखेगा। ठीक है, और अगर कोई डॉक्टर अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पे अपना PMDC का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेगा। ठीक है, इसके बाद आप सेव डेटा पे क्लिक। अच्छा, यहाँ पे भी जो है आपसे मार्क्स मांग रहा है। अगर तो आपके DMC पे मार्क्स लिखे हैं तो आप मार्क्स लिख लें, नहीं तो आप यहाँ पे नहीं लिख दें। ठीक है,
आपके DMCP मार्क्स नहीं लिखे हुए। मतलब ये भी हर यूनी का अपना एक तरीक़ेकार होता है। कुछ यूनिज में जो है आपके DMCP मार्क्स भी लिखे होते हैं, कुछ में सिर्फ आपकी GPA लिखी होती है। मार्क्स हैं तो मार्क्स लिख लें, नहीं है तो आप उसको निल कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने CGPA लिखा हुआ है। इसके बाद आप FSC के मार्क्स यहाँ पे लिखें, ठीक है, पासिंग ईयर लिख दें आपने, जिस ईयर में भी जो है FSC की होगी। ड्यूरेशन यहाँ पे लिख लें, FSC आपकी 2 ईयर्स की होती है। अगर आपने जो है FSC में 3 ईयर स्पेंड किए, मतलब अगर आपका कंपार्ट आया है कोई, तो आप यहाँ पे उसके मुताबिक फिर ईयर सेलेक्ट कर लें। ऑब्टेन मार्क्स लिख लें यहाँ पे, आप टोटल मार्क्स लिख लें, इसका परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आप डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन के बाद आप यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप सेव डेटा करेंगे तो आपके पास आपके FSC का डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे अपने मैट्रिक के मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, मैट्रिक भी हम जो है बेसिकली 9-10 हमारे 2 एग्ज़ाम होते हैं, तो आप यहाँ पे 2 ईयर्स ही सिलेक्ट कर लें मैट्रिक के लिए भी। ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, यहाँ पे आप उसकी परसेंटेज सिलेक्ट करें। परसेंटेज का अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि परसेंटेज आप किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद आप अच्छा हर डेटा एंटर करने के बाद आपने सेव डेटा का ऑप्शन क्लिक करना है। तो मेरे पास अपना सारा ये डेटा यहाँ पे सेव हो गया है। यहाँ पे आके पास अगर आपसे कोई गलती हुई है, डिलीट का एक आपके पास बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, आप उसको दोबारा से एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करें, इसके बाद आपके पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आती है। अगर जो है आपके पास कोई टेक्निकल, आपके पास कोई आपने कोर्स किया है, आपके DIT किया हुआ है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर आपके पास कोई कोर्स है, तो आप उसका डेटा यहाँ पे इंटर करें। ठीक है, मेरे पास नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर जिन जिन जॉब्स के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे जो है आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लिखेंगे तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सपीरियंस क्लेम करने के लिए एक्सपीरियंस लिखना यहाँ पे लाजमी है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक्सपीरियंस में ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, फिर आप वहाँ पर जिस पोजीशन पर रहे हैं, कितना अर्सा आपने वहाँ पर काम किया है, आपकी वहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, मतलब कौन कौन से काम आप वहाँ पर कर रहे थे, जॉब ऑफ नेचर में रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस, ठीक है। इसके बाद आपने अपने सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, सुपरवाइज़र का मोबाइल नंबर लिखना है, मतलब अगर कल को इन्होंने वेरिफिकेशन करनी हो, तो वो इस पर्सन जिसका भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे और फ़ोन नंबर लिखेंगे, तो उसके ज़रिए आपकी वेरिफिकेशन करेंगे कि इस बंदे ने आपके पास काम किया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सही सही डिटेल इंटर करनी है। सैलरी लिखनी है आपने, आपने जितनी भी आप वहाँ पर सैलरी रहे, तो यहाँ पर आपने रीज़न ऑफ लीविंग लिखना है कि जब आप उसको आपने क्यों जो है जॉब छोड़ी है। ठीक है, इसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आप मेडिकल हिस्ट्री मांगेंगे, अगर आपको कोई मेजर डिजीज़ रहा है, कोई आपकी इंजरी हुई है, तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है, नहीं है तो आप इसको ना लिखें। ठीक है, इसके बाद आप इसको अगर जो कोई है लिखेंगे, उसको आप सेव करें, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल मांगता है। अगर तो आपके पास अगर आप ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने इसको यस कर देना है। यस करेंगे तो ये आपसे टाइप ऑफ लाइसेंस मांगते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस होते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है, उसके ऊपर लिखा होता है कि LTV, HTV है, मोटर कार, जीप, ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ इशू लिखना है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखना है, इशूइंग अथॉरिटी लिखना है कि मतलब आप अगर आप KPK से कर रहे हैं, तो KPK की इशूइंग अथॉरिटी होगी, ये भी आपके लाइसेंस के ऊपर लिखा होगा।
और एज लिखी होगी जिस एज में आपको इशू हुआ होगा, ठीक है तो आप लिख दें, नहीं है तो आप इसको नो करके सेव कर दें, सेव ही नहीं हो रहा तो बस आप डायरेक्ट माई सीवी पे चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह आपकी एक सीवी बन जाएगी, सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर एकेडमिक, फिर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, ये सारा डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको फिल करने के बाद अगर कोई कोई मिस्टेक इसमें नहीं है, अगर कोई मिस्टेक है तो आप वापस यहाँ से उस फील्ड पे जाके उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आपने फाइनलाइज सीवी पे क्लिक कर लेना है तो आपकी सीवी सेव हो जाएगी, ठीक है, इनके पास यहाँ पे। इसके बाद आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आपने सिंपल जाना है, मैंने जो है BCS किया हुआ है तो मैं IT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आएगा, इसमें लिखा होगा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर, आप इसको ओके कर देंगे तो ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक नए पेज पे आ जाएगा और इसमें जो है आपका जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया होगा वो जॉब यहाँ पे आ जाएगी। आप एक से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप जो है करंट जॉब्स पे जाएं और दूसरे जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर दें, ठीक है, इस तरह आपके पास यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। यहाँ के पास आगे आपके पास एक प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके पास आपका एप्लीकेशन सामने आ जाएगा, ठीक है। आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन इस तरह फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, आप इसको सेव कर लें, PDF में सेव कर लें अपने पास। अच्छा, इसको आपने भेजना सिर्फ पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ जो है मेरे पास ये फॉर्म सेव हो गया, सिर्फ जो सीरियल नंबर 34 से लेकर 38 तक हैं उन्होंने इस फॉर्म को प्रिंट निकाल के यहाँ पे अपना नाम लिख के, फादर नेम लिख के, साइन करके सब डॉक्यूमेंट लगा के भेजने हैं, बाकी जो जॉब्स हैं उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, अगर इन केस फिर भी जो है आपको कोई समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस जॉब की कोई फी नहीं है, पूरे पाकिस्तान से हर कोई इसकी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, बहुत हैंडसम सैलरी है इसकी। तो अब तक के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।